सो गाइस हम रेडी हैं कारवार से निकलने के, पर इनके अगर आपने मुझे नहीं पहचाना होगा तो मैं वही हूँ जिसे आप इतने टाइम तक देखते आ रहे हो। हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी पहली खूबसूरत लोकेशन पे। बारिश की वजह से हमें लेना पड़ रहा है एक ब्रेक, तो अभी लगभग 200 किलोमीटर की राइड खत्म कर चुके हैं हम लोग। बेलगांव में ही हैं अभी भी। कर्नाटका पास करने के बाद हम लोग महाराष्ट्र एंटर कर रहे हैं, कोल्हापुर एंटर कर रहे हैं। रात का 1 बज चुका है। नमस्कार मंडळी, कसं काय चाललंय? दिस इज अनिकेत प्रगति फ्रॉम अमेझिंगली बियर्ड। और आज हम लोग निकलने वाले हैं कारवार से। फिलहाल प्लान तो वही है, अभी टाइम हो चुका है लगभग सुबह के 9 और हम थोड़े बहुत अभी अपनी तैयारी करने हैं निकलने के लिए। थोड़ा बहुत काम भी मैंने निपटा लिया है, तो अभी फिलहाल तो प्लान यही है कि आज ही मुंबई के लिए निकलना है और देखते हैं आगे कैसे कुछ होता है। वैसे ब्रेकफास्ट वगैरह तो मेरा हो गया है, सब चिल्ड आउट है, अभी बस निकलने के लिए वेट कर रहा हूँ। हम रेडी हैं कारवार से निकलने के लिए। सो गाइस हम हो चुके हैं रेडी और निकल चुके हैं कारवार से। और इनकेस अगर आपने मुझे नहीं पहचाना होगा तो मैं वही हूँ जिसे आप इतने टाइम तक देखते आ रहे हो। बस ऑल सेट हैं हम लोग और अभी मुंबई के लिए निकल चुके हैं। कारवार भी छोड़ चुके हैं, अभी देखते हैं आगे निकलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी पहली खूबसूरत लोकेशन पे। क्या सुंदर झरना है यार, सच में बहुत बढ़िया। तो अभी बात ऐसी है कि हम लोग मुंबई गोवा हाईवे से नहीं गए, बल्कि हमने डिसाइड किया कि हम मुंबई बैंगलोर हाईवे से जाएंगे। तो इसलिए हमने बेलगांव के थ्रू एंटर किया और अभी हम लोग हैं अनशी घाट में। अभी मुझे पता नहीं मैं कितने अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन हम ऐसी जगह पे हैं, घाट सेक्शन है और काफ़ी खूबसूरत झरने हैं। अभी हम आगे की जर्नी हमारी कंटिन्यू करने वाले हैं, तो मिलते हैं आगे की जर्नी में। तो अभी हम गुजर रहे हैं उसी घाट सेक्शन में से। थोड़ी देर पहले बारिश, तो गाइस घाट सेक्शन कर लिया है हमने कंप्लीट और अभी हम पहुंचे हैं कुंभारवाड़ा नाम के एक गांव में। काफ़ी सुंदर जगह थी, कभी ओपन फील्ड्स थी, कभी घने पेड़ थे, कभी नदी थी, कभी झरने थे। काफ़ी अच्छा लगा वहां से ट्रैवल करने में, वहां से गुजरने में। और एक चीज़ की रोड पर कभी भी कुछ भी आ जाता था, मतलब कभी हमने सांप देखा बीच रोड के बीच में, कभी एक बड़ी सी लिजर्ड, और गाय भैंसें तो अपना ही रोड समझ के चल रही थी बीच में से। वैसे यहाँ पर टाइगर्स वगैरह भी होंगे, क्योंकि जो टेरिटरी है वहाँ पर बहुत जगह पर KTR लिखा था, जो कि टाइगर रिजर्व्स हैं। ये फॉरेस्ट एरिया वैसा ही है पूरा, तो मेरे हिसाब से यहाँ रात के टाइम पे ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वैसे ठीक है, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, अभी थोड़ी देर में हम हमारा लंच करेंगे और फिर से आगे निकलेंगे। तो टाइम तो मैंने बता दिया, 2 बज चुके हैं। तो गाइस मैंने अंडर एस्टिमेट किया पश्चिम घाट को। मैंने सोचा कुंभारवाड़ा के बाद घाट सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो सह्याद्री की माउंटेन रेंज है
वो ख़त्म ही नहीं हो रही। हम बहुत टाइम से घाट में ही हैं, अभी टाइम हो चुका है लगभग 3:30 बज चुके हैं और हम अभी भी घाट सेक्शन में ही ड्राइव कर रहे हैं। काफ़ी स्टीप टर्न्स और काफ़ी कुछ देखने को मिला हम लोगों को, और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, तो आप खुद ही देख लीजिए। ये है महानदी और आप देख के ही पता लगा सकते हो कि इसे महानदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नदी नहीं ऑलमोस्ट समंदर ही है। तो इसी व्यू के साथ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और थोड़ी देर यहाँ पे रुकूँगा, थोड़ा एंजॉय करूँगा। अभी बारिश की वजह से हमें लेना पड़ रहा है एक ब्रेक, और जैसे ही घाट सेक्शन ख़त्म हुआ वैसे हम लोगों ने यहाँ से एक रोड लिया। ये जो रोड दिख रहा है इस रोड से हम आए हैं, और ये रोड पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन था और उस वजह से हमारे 20-30 किलोमीटर जो है वो काफ़ी बुरी तरह से कटे हैं। पिछवाड़े की तो पूरी वाट लगी पड़ी है और हर एक बॉडी पार्ट हिल चुका है हमारा। हमें इस रोड से आना चाहिए था जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं था, काफ़ी अच्छा रोड था, बट हम इस रोड से आए, उस वजह से पूरी वाट लग चुकी है। बट अभी कोई नहीं, आगे का जो रोड है वो काफ़ी अच्छा है, तो होपफुली अच्छे से कट जाएगा, बस बारिश थोड़ी सी रुक जाए, क्योंकि हमारे पास रेनकोट वगैरह एज सच कुछ नहीं है, उस वजह से हम इतनी ज़्यादा बारिश में राइड नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी बारिश कम होने का वेट करते हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग शाम के 5:30 और हम बेलगांव से अभी 25 किलोमीटर पहले रुके हैं। बारिश काफ़ी ज़्यादा है और उस वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है आगे सफ़र करने में। तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ नाश्ता कर लेंगे इस होटल में। 25 किलोमीटर अभी हैं बेलगांव के लिए, उसके बाद हमें हाईवे मिलेगा। तो फ़िलहाल तो अभी नाश्ता करके थोड़ा खुद को गर्म कर लेते हैं, ठंड भी ज़्यादा है तो इसलिए नाश्ता करेंगे फिर बात करेंगे। ये तो सच है कि बाइक राइड करने में अलग ही मज़ा आता है, पर बाइक पे बैठे उस ढलते हुए सूरज के साथ वो शाम अलग ही सुकून देती है। एंड गाइस फाइनली हमने एंटर कर लिया है बेलगांव में, क्योंकि बहुत टाइम तक हम वेट ही कर रहे थे कि बेलगांव अब आएगा और अभी यहाँ से आगे हम हाईवे पकड़ के सीधा मुंबई के लिए भाग जाएंगे। अभी लगभग 200 किलोमीटर की राइड ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, बेलगांव में ही हैं अभी भी, और थोड़ा बाइक को थोड़ा चेक कर लेते हैं, थोड़ा टायर प्रेशर और ऑयलिंग कर लेते हैं बाइक का, क्योंकि बारिश में थोड़ा बहुत ऐसे डर भी लगता है कि पता नहीं बाइक में कुछ ख़राब हो जाए या फिर कुछ हो जाए, तो इसलिए अभी वो सब हो रहा है। और अंधेरा भी काफ़ी होने लगा है, अभी आगे लाइट भी कम हो जाएगी तो पता नहीं मैं आगे के जो शॉट्स हैं वो कितने अच्छे से ले पाऊँगा, लेकिन आपको मेरी ये जो कंप्लीट राइड है वो तो मैं पक्का दिखाऊंगा फॉर श्योर शॉट। अभी कैमरे में जो बैटरी है वो भी थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, बट फिर भी जाने तक तो हम शूट कर लेंगे। और अभी हम NH4 पे आ चुके हैं, पेट्रोल भराने के लिए रुके थे। 7 बज चुके हैं लेकिन रात का अंधेरा छा चुका है, लेकिन ठीक है अभी हमने हाईवे पकड़ लिया है तो आराम से आगे निकल जाएंगे।
गाइस अभी फाइनली NH4 से यहाँ तक आने के बाद और लगभग पूरा कर्नाटका इधर आने के बाद, कर्नाटका पास करने के बाद हम लोग महाराष्ट्र एंटर कर रहे हैं, कोल्हापुर एंटर कर रहे हैं। तो बाइक राइड तो काफ़ी अच्छे से निकल रही है, हम लगभग 80 का स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बॉडी पार्ट थोड़े से हिल गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दिक्कत यह है कि लाइट्स नहीं होने की वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा हाईवे पे, आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, बट आपको ऐसे ही अपडेट्स मैं देते रहूँगा, तो ब्लॉग देखते रहिए। तो गाइज जैसा कि आप सबने देखा, हम क्रॉस कर चुके हैं कर्नाटका और महाराष्ट्र में आ चुके हैं और अभी फ़िलहाल कोल्हापुर में हैं। लगभग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम राइड करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वाट तो लगी पड़ी है, लेकिन जो लोग राइड करते हैं या फिर जो ट्रैवल करते हैं उन्हें पता है कि किस चीज़ में क्या मज़ा होता है, तो इसलिए अच्छा भी लग रहा है। अभी फ़िलहाल होटल रेणुका ढाबा ऐसी जगह पर हम रुके हैं, डिनर कर लेंगे, ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं, थोड़ा सा लाइट डिनर कर लेंगे, क्योंकि हैवी हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए अभी डिनर करेंगे, फिर से आगे निकलेंगे। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है लगभग रात के 11, हम कोल्हापुर से जब निकले थे तभी टाइम हो रहा था 10:15 और अभी हम कराड़ क्रॉस कर चुके हैं, अभी सातारा आ जाएगा 40 किलोमीटर में, उसके लिए ही रुके हैं। वैसे ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है हाईवे पे, इसलिए अंदर मैंने शर्ट भी पहन लिया है। अभी देखते हैं, अच्छे से तो जा रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी फ़िलहाल कॉफ़ी पीने के लिए रुके थे, अभी कॉफ़ी भी पी चुके हैं, तो अभी निकलते हैं थोड़ी देर। सो गाइस अभी रात का 1 बज चुका है और हम लोग लगभग पूना से 50 किलोमीटर दूर हैं और हमने अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। लगभग हमने कोल्हापुर क्रॉस किया, फिर सातारा क्रॉस किया, अभी पूना 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ से जब हम लास्ट टाइम जहाँ से निकले तभी से यहाँ तक आने में काफ़ी ज़्यादा फॉग था और कोहरा ही कोहरा, और उसकी वजह से ठंड तो काफ़ी ज़्यादा लग गई है हमें, काफ़ी ठंड से हम कांप रहे थे बाइक पर भी, और घुटनों में भी अकड़न हो गई है अभी, और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फिर से हमने ब्रेक लिया है, लगभग पूना पहुँचेंगे अभी हम लोग, तो देखते हैं आगे और ब्रेक लेंगे या फिर सीधा मुंबई निकलेंगे, वो भी देखते हैं, शायद ब्रेक ले लेंगे हम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा तो 204 किलोमीटर है मुंबई, अभी भी 204 या 208। तो अभी पुणे से आगे निकल के फिर पिंपरी चिंचवड़ क्रॉस करके हम NH48 पे अपना जो सफ़र है वो कायम कर रहे हैं और अभी रुके हैं जस्ट ऐसे ही कॉफ़ी ब्रेक के लिए, और उसके बाद आगे जाएंगे लोनावला, खंडाला और खोपोली के लिए।
तो गाइज अभी टाइम हो चुका है लगभग 4:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं पनवेल। अभी मुंबई ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग काफ़ी घूम कर आए, मतलब कभी एक्सप्रेसवे से ज्वाइन हो रहे हैं, कभी NH 48 से आ रहे हैं, कभी खोपोली से बाईपास रोड से आ रहे हैं, काफ़ी घूम घूम के हम लोग यहाँ पहुँचे, पनवेल पहुँचे। अभी आगे का रास्ता तो हमें पता है, तो आराम से मुंबई पहुँच जाएंगे। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 और जैसा कि आप सबको पता है हमने जर्नी शुरू की थी दोपहर को 12 बजे कारवार से, और पूरी दोपहर, पूरी शाम, पूरी रात राइड करने के बाद अभी हम सुबह पहुंचे हैं मुंबई। मैं पहुंचा हूं अपने घर और वक्त आ चुका है कि हम इस राइड को यहीं अलविदा कह दें और उसी के साथ इस पूरी मैंगलोर ट्रिप को भी हम अलविदा कह दें। वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट क्या करें, जर्नी तो ख़त्म हो चुकी है। और इस जर्नी में आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आपकी वजह से मैं इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स शूट कर पाया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस ले पाया, तो आपको सबसे पहले थैंक्स। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने ये पूरी ट्रिप देखी है तो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अमेजिंग ये रास्ते हैं, वियर्ड ये सफ़र, मुसाफिर हैं हम, फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। गुड बाय गाइस। सोचा नहीं था कि मैंगलोर की जर्नी इतनी खूबसूरत बन जाएगी, और आखिर में वो 700 किलोमीटर की बाइक राइड, उसने तो इस जर्नी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। हम आगे भी सफ़र तय करने वाले हैं और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहें। मैंगलोर ट्रिप की बात करूं तो इस ट्रिप में मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे श्रीराज सर, उन्होंने ये ट्रिप प्लान की थी और वही इस ट्रिप के कर्ता धर्ता थे। सो बिग थैंक्स टू हिम, उनके बिना ये ट्रिप पॉसिबल ही नहीं थी। और थैंक्स टू माय सिस्टर अंकिता जिसने मुझे व्लॉग्स के साथ हर वक्त गाइड किया है, एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड रसिका जो इस चैनल में मेरा साथ दे रही है, वो काइंड ऑफ पर्दे के पीछे की कलाकार है, सो थैंक्स टू हर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब लोग जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया इस व्लॉग सीरीज़ को। तो बस अब ख़त्म करते हैं हमारी मैंगलोर ट्रिप को, हमारी मैंगलोर जर्नी को यहीं अलविदा कह देते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।